बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की निजी जिंदगी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। कॉफी विद करण सीजन 4 में उन्होंने अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात की थी और खुद के वर्जिन होने का दावा भी किया था, लेकिन अब इसके उलट पांचवें सीजन में उनके भाई अरबाज ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सलमान और अरबाज के साथ रैपिड फायर राउंड दिखाया गया है। इस दौरान जब करण ने पूछा कि कौन है जो एक महीने बिना सेक्स का चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकता, तब जवाब में अरबाज ने सलमान का नाम लिया। इसके बाद सलमान हंस पड़े और अरबाज बोले, क्या बोल रहे हो। बाद में करण को सलमान से कहते सुना गया, मैं नहीं जानता कि उसने आपको क्या बना दिया, वर्कआउट और मेकआउट दोनों के बिना एक महीने नहीं रह सकते, प्रॉब्लम है। बेफिक्र की एक्ट्रेस वाणी कपूर ने हाल ही में वोग इंडिया मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। वो इस मैगजीन की कवर गर्ल बनी है। वाणी ने कलरफुल आउटफिट में फोटोशूट करवाया है। सभी फोटोज में वो बेहद गॉर्जियस नजर आ रही हैं। हाल ही में वाणी की फिल्म बेफिक्र रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह उनके को एक्टर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस एवलिन सर्दी के मौसम में तापमान बढ़ाने की सोच रही हैं। तभी तो बिकिनी में अपनी हॉट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। लेकिन एक तस्वीर में वो बीच पर खड़ी फोटो क्लिक करवा रही थी कि ऊंट ने कुछ हरकत कर दी और एवलिन को भागना पड़ा। आजकल कोई न कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस बिकिनी में दिखाई दे ही रही है और अब इस लिस्ट में ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एवलिन शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। एवलिन कई बॉलीवुड फिल्म्स जैसे यारियां, मैं तेरा हीरो, इश्केदारियां और नौटंकी साला में नजर आ चुकी है। टीवी सीरियल उतरन में इच्छा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस टीना दत्ता हैरेसमेंट का शिकार हो गई हैं। टीना ने आरोप लगाया है कि फ्लाइट में उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई। ये घटना पिछले दिनों तब हुई जब वो एक इवेंट में शामिल होने के लिए मुंबई से राजकोट जा रही थी। फ्लाइट में एक पैसेंजर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। उन्होंने इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। टीना ने बताया, मैंने आधी दुनिया घूम ली है लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं राजकोट जा रही थी, सीट नंबर 30A अलॉट की गई थी और मेरे मैनेजर को 30C पर बिठाया गया था। हम लोग बात कर रहे थे तभी मैंने महसूस किया कि कोई साइड से अपना हाथ खिसका रहा है। सीट नंबर 31A पर बैठे पैसेंजर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। उसने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि कोई बच्चा होगा लेकिन जैसे ही पलट कर देखा तो मैं शॉक्ड थी। वो अच्छी खासी उम्र का आदमी था। मैं चिल्लाई तो वो हकलाने लगा और फिर माफ़ी मांग ली। बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हु शोकेस्ड हिज सिंगिंग टैलेंट विद द सॉन्ग आदि के खंडाला फ्रॉम द 1998 फिल्म गुलाम विल रिटर्न एज अ सिंगर आफ्टर 18 इयर्स। द एक्टर हैज रिकॉर्डेड हिज वर्जन ऑफ द सॉन्ग धाकर फ्रॉम हिज अपकमिंग फिल्म दंगल। आमिर हैज रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर द सॉन्ग विच विल बी एयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स सेट टू बी टेलीकास्ट ऑन दिसंबर 18 ऑन जी टीवी। धाकर विच इज ओरिजिनली हैज बीन संग बाय रैपर रफ्तार इज द सेकेंड सॉन्ग ऑफ दंगल आफ्टर हानिकारक बापू। दंगल डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी इज स्लेटेड टू रिलीज ऑन दिसंबर 23rd। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Now hit the like button and subscribe our channel to watch more. See you in the next video. Till then, enjoy.